अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की नज़्म। नज़्म में क्या पढ़ने वाले हैं? नज़्म है बच्चों मेरी बात सुनो। क्या नाम है नज़्म का? बच्चों मेरी बात सुनो। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनेंगे, फिर इसके बाद आप लोग भी नज़्म को दोहराएंगे और इस छोटी सी नज़्म को मुँह ज़बानी तरन्नुम के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ याद रखो, जो कहता हूँ याद रखो, जब भी अपने लब खोलो, जब भी अपने लब खोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो, खाओ पियो दिलशाद करो, खाओ पियो दिलशाद करो, अपने रब को याद करो, अपने रब को याद करो, खेलो कूदो मौज करो, खेलो कूदो मौज करो, लिखना पढ़ना भी सीखो, लिखना पढ़ना भी सीखो, जब भी सोचो अच्छा सोचो, जब भी सोचो अच्छा सोचो, काम करो जो अच्छा हो, काम करो जो अच्छा हो। बहुत छोटी सी नज़्म है ना? बहुत छोटी सी नज़्म है बच्चों। कैसी लगी आप सबको? शायर क्या कह रहा है? शायर किसे कहते हैं? जो नज़्म लिखते हैं उन्हें शायर कहते हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ याद रखो, जब भी अपने लब खोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो। प्यारे बच्चों, जब भी आप कुछ बात बोले अपने प्यारे होठों से, मुंह से, तो हमें सच ही बोलना है ना? सच बात ही बोलना है। खाओ पियो दिलशाद करो, अपने रब को याद करो, खेलो कूदो मौज मस्ती करो, लिखना पढ़ना भी सीखो। खेल कूद के साथ साथ लिखना पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना? खेलते कूदते हैं आप लोग, लेकिन लिखना पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी सोचो अच्छा सोचो, काम करो जो अच्छा हो। जब भी सोचो तो हमें अच्छी बात ही सोचना है ना? काम आप लोग जो भी करें अच्छे करें, बुरे काम ना करें। तो बच्चों ये नज़्म बहुत आसान सी थी। इस नज़्म को आप लोगों को बार बार दोहराना है, मुज़बानी तरन्नुम के साथ याद करना है और हमें सुनाना है, अपने घर में अम्मी अब्बा को भी सुनाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।